नमस्कार, एडुसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ग्लोबलाइजेशन इन मीडिया, यानी भूमंडलीकरण और मीडिया। भारतीय मीडिया पर भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है, उसके स्वरूप में किस तरह से बदलाव आए हैं, भारतीय मीडिया चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनके स्वरूप में क्या बदलाव आए, कौन कौन से परिणाम देखने को मिल रहे हैं और क्या आगे आने वाले दिनों में होगा, इन सभी पहलुओं पर आज हम लोग बात करेंगे। और बातचीत के लिए स्टूडियो में है डॉक्टर कुमुद शर्मा। आप हिंदी जगत में जाने माने नाम हैं, हिंदी और मीडिया के प्रशिक्षण और शिक्षण में एक विशेष आपका योगदान रहा है और पिछले कई वर्षों से आप हिंदी और मीडिया और भारतीय समाज को क्या तालमेल बिठाना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इस पर आपका एक खास नजरिया रहा है। तो निश्चित तौर पे आपका ज्ञान और अनुभव से हम लोग को लाभ मिलेगा। और आपकी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पीएचडी, डिलीट और एमए में 3 स्वर्ण पदक आप प्राप्त किए हैं। साथ ही अभी वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय में रीडर पद पर कार्यरत हैं। कई पुरस्कार मिल चुके हैं, खास करके मैं कुछ जो पुरस्कार हैं उनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रथम पुरस्कार केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, साहित्य श्री सम्मान दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा, और प्रेमचंद रचनात्मक लेखन पुरस्कार। और कई रचना भी, कई पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी है, जिनमें एक तो भूमंडलीकरण और मीडिया ही है, दूसरा हिंदी के निर्माता, स्त्री घोष, विज्ञापन की दुनिया, जनसंपर्क प्रबंधन, गांव के मन में रूबरू, नई कविता में राष्ट्रीय चेतना, अमृत पुत्र, 1000 हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी, और सन 1979 से दीमान सारिका, और कई पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहे हैं। तो आप पत्रिका के नाम लीजिए, उसमें डॉक्टर कुमुद शर्मा के लेख में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। और लेख न सिर्फ चीजों को सामने परोसता है, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर करता है कि किस तरह से हम चीजों को समझे, किस पर्सपेक्टिव में देखें। तो निश्चित तौर पे डॉक्टर कुमुद शर्मा आज हम लोग को बताएंगे कि भूमंडलीकरण और मीडिया को किस पर्सपेक्टिव में हम लोग देखें। इस उम्मीद के साथ आमंत्रित करता हूँ कि आप अपना व्याख्यान शुरू करें। धन्यवाद अमरिन जी। छात्रों नमस्कार। छात्रों, आज जमाना कंप्यूटर का है, हाईटेक का है, ग्लोबलाइजेशन का है। ये सारे वाक्य आपने अपने आसपास जरूर सुने होंगे। नई सूचना प्रौद्योगिकी से जो एक नया विश्व पटल बना है, उसमें कहा जा रहा है कि भूमंडलीकरण का दौर है। ये भूमंडलीकरण का जो नारा है या ग्लोबल विलेज की जो अवधारणा है, कहा गया कि संपूर्ण संचार क्रांति ने पूरे विश्व को समेट करके ग्लोबल विलेज में बदल दिया, यानी विश्व ग्राम में बदल दिया है। और विश्व ग्राम की परिकल्पना मार्शल मैकलुहान की है। लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन की बात आती है तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। और इस ग्लोबलाइजेशन को लेकर के दो तरह की स्थितियां हैं। हमारी युवा पीढ़ी है जो इस ग्लोबलाइजेशन के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है, कदम ताल कर रही है, बेहद रोमांचित है कंप्यूटर युग में। इंटरनेट का पूरा संजाल साथ लेकर चलती है। मगर इसी हिंदुस्तान में एक तबका ऐसा भी है, एक पीढ़ी ऐसी भी है, एक व्यापक समुदाय ऐसा भी है जिसकी केमिस्ट्री का तालमेल इस भूमंडलीकरण के साथ नहीं बैठ पा रहा, जिसकी केमिस्ट्री बिल्कुल इनके साथ बिल्कुल अपना तालमेल नहीं बैठा पा रही है। सवाल यह है कि आखिर ये भूमंडलीकरण है क्या, ये ग्लोबलाइजेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, और इसके विरुद्ध इतना संशय क्यों है, इतना शक क्यों है, इतना संदेह क्यों है। तो आइए पहले हम समझते हैं कि भूमंडलीकरण क्या है। छात्र, भूमंडलीकरण के सर्वमान्य कह सकते हैं सुसंस्कृत परिभाषा की गई कि संचार क्रांति ने, जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया कि संपूर्ण विश्व को समेट दिया है, एक विश्व ग्राम में तब्दील कर दिया है। यह अवधारणा, जैसा कि पहले भी कहा, कि मार्शल मैकलुहान की है। लेकिन अगर आप गौर करें, थोड़ा सा हिंदुस्तान की जमीन पर सोचें, तो आपको लगेगा कि हमारे यहां तो इस तरह की अवधारणा के बीच पहले से ही विद्यमान है। हमारे यहां वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा रही, जिसमें संपूर्ण विश्व को सहयोग, समन्वय, करुणा और प्रेम से जोड़ने का भाव है। एक विश्वग्राम का सपना
हमारे महात्मा गांधी ने भी देखा था। उन्होंने कहा था कि मैं नहीं चाहता कि मेरे घर के दरवाजे और खिड़की बंद रहें। मैं अपने घर के दरवाजे और खिड़की को कस करके बंद नहीं रखना चाहता। मैं चाहता हूं कि वो खुले रहें, ताकि दूसरे देशों की संस्कृति के झोंके मेरे घर में बेरोक टोक आसानी से प्रवेश कर सके। मगर साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी देश के संस्कृति के झोंके से मेरे अपने पांव उखड़ जाएं, तो वो मुझे मंजूर नहीं है। छात्रों, ये क्या गलत नहीं है कि आप अपने दूसरे के घर, दूसरे के देशों की संस्कृति के झोंके तो आने दें, लेकिन अपनी संस्कृति के झोंके के लिए अपने दरवाजे बंद कर दें? इस भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में शायद कुछ ऐसा ही हो रहा है। हमारे यहां की जो भूमंडलीकरण की अवधारणा थी, उसमें सहयोग, करुणा, प्रेम, ममता, दया से संपूर्ण विश्व को एक सूत्र में बांधने का भाव था। मगर ये जो नई भूमंडलीकरण की अवधारणा है, ये मूलतः एक तकनीक पर आधारित है। ये तकनीक से पूरे विश्व को जोड़ती है, टेक्निक से दूसरे विश्व को जोड़ती है, और ये मूलतः एक आर्थिक अवधारणा है जो कि एक विश्व बाजार व्यवस्था पर आधारित है। भूमंडलीकरण का मतलब है कि नई एक मुक्त बाजार व्यवस्था, जो एक निर्बाध बाजार व्यवस्था है और जो कुछ अंतरराष्ट्रीय नियमों से निर्देशित और निर्देशित होती है। दरअसल ये अल्पविकसित और विकासशील देशों के शोषण के उद्देश्य से निर्देशित है, जिसमें कि ये छोटे तीसरे विश्व के जो देश है वो लगातार इस भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में फंसते चले जा रहे हैं। कहा यह गया था कि भूमंडलीकरण की जो प्रक्रिया है वो संपूर्ण विश्व में अधिक रोजगार, पूंजी निवेश और आय के अवसर उपलब्ध कराएगी, और पूरा विश्व जो है आर्थिक प्रगति करेगा, विकास की सीढ़ियां चढ़ेगा। और इस तरह की बात सामने लाई गई कि अगर कोई देश इस भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं होगा तो वो पिछड़ जाएगा। इस भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में शामिल हुए बिना कोई भी देश विकास की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता, प्रगति नहीं कर सकता। और अगर आप इसमें शामिल होंगे तो आर्थिक दृष्टि से आपका विकास होगा, आपके देश में अधिक रोजगार के अवसर होंगे, पूंजी का निवेश भी बढ़ेगा। मगर जो व्यावहारिक धरातल है इस भूमंडलीकरण का, वहां अगर गौर करें तो ये लगता है कि ये जो अवधारणा है वो क्या है। देखिए, ये निर्बाध आधारित मुक्त बाजार व्यवस्था पर आधारित एक व्यवस्था है, लेकिन ये हम और आपको नागरिक नहीं रहने देती, हमें और आपको बाजार के बीच लाकर खड़ा कर देती है। यहां हम इस व्यवस्था के भीतर हम नागरिक नहीं हैं, हम मनुष्य भी नहीं हैं, हम या तो विक्रेता हैं या हम खरीदार हैं। विक्रेता और खरीदार के शक्ल में हम बाजार में खड़े हुए हैं। यह पूरी तरह एक बाजारवादी अवधारणा है। कहा भी गया है इसके लिए बाजार लोकतंत्र, नामोदारवादी बाजारवाद लोकतंत्र, कई सारे नाम है इसके लिए। भूमंडलीकरण के समर्थक जो देश है, साम्राज्यवादी देश, वो इसका समर्थन करते हैं। जैसा कि पहले मैंने कहा कि अधिक रोजगार अवसर देगा आपको, अधिक आय के अवसर उपलब्ध कराएगा, पूंजी निवेश बढ़ेगा, आर्थिक प्रगति होगी, आर्थिक विकास होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे चिंतक हैं, ऐसे विचारक हैं जो ये कहते हैं कि इसका एक दूसरा चेहरा भी है भूमंडलीकरण का। वो चेहरा यह है कि ये एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय दुष्चक्र है जिसमें छोटे और अल्पविकसित विकासशील देश लगातार फंसते चले जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जब वो अपने मार्केट को विकसित देशों के मार्केट के लिए खोल देते हैं तो अपने घरेलू जो उत्पाद है, आपका जो घरेलू मार्केट है वो दबाव में आ जाता है, वो धीरे धीरे करके खत्म होने के कगार पर आ जाता है। और वो जो आप विकसित देशों के बाजार के लिए अपना जो देश खोल देते हैं तो वो आपके मार्केट पर एक खास तरह का कब्जा है। और इस तरह से भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में जो साम्राज्यवादी देश है वो अपना आर्थिक साम्राज्यवाद का एक मुहिम लेकर आते हैं, और वो
आपके यहाँ की राज सत्ता को दरकिनार करके उसकी आर्थिक बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं। इस तरह से अगर आप छात्र देखें तो एक तरह से एक आर्थिक प्रक्रिया है, नई आर्थिक प्रक्रिया है, एक आर्थिक अवधारणा है भूमंडलीकरण। और ये आर्थिक अवधारणा विकसित देशों का सांस्कृतिक साम्राज्यवाद, आर्थिक साम्राज्यवाद का अभियान लेकर के आई है, एक तरह का अभियान है। इस भूमंडलीकरण के बहुत सारे परिणाम हैं, उसको भी हम आगे समझेंगे। पहले हम समझते हैं कि इस भूमंडलीकरण का चरित्र क्या है। भूमंडलीकरण का अगर आप चरित्र देखें, थोड़ा सा इसकी हम पृष्ठभूमि में जाते हैं। भूमंडलीकरण का जन्म अकस्मात नहीं हुआ या इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इसकी अगर हम जड़ें देखें तो इसकी जड़ें विश्व युद्ध के संदर्भ में समाई हुई हैं। विश्व युद्ध के दौरान जब बिल्कुल आर्थिक ढांचा चरमरा जाता है तो जो साम्राज्यवादी देश है उनके सामने आर्थिक वर्चस्व को कैसे वो कायम रख सके, ये बहुत बड़ी चुनौती आती है। क्योंकि जो बाकी देश है, जो कमजोर देश है, वो तो पूरी तरह से आर्थिक रूप से टूट चुके हैं, तो उनका आप शोषण कैसे करेंगे। तो कहा यह जाता है कि विश्व में जो है आपको आर्थिक सुदृढ़ता लानी है, इसके लिए आप चार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का गठन करते हैं। वो चार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कौन सी है? ब्रेटन वुड्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन। अब ये चार संस्थाएं इस भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को तेज कर देती हैं और भूमंडलीकरण तेज हो जाता है और धीरे धीरे करके विश्व के तमाम देश इस भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में शामिल होते चलते हैं। भूमंडलीकरण का जो स्वभाव है उसमें चार सूत्र काम करते हैं। उसका जो चरित्र है वो ये कहता है कि उपभोक्तावाद हमारा जो मूल है वो उपभोक्ता की सर्वोच्चता का नारा देता है कि जो उपभोक्ता है वो हमारे लिए सर्वोच्च है। दूसरा नारा है समरूपीकरण का, और तीसरा अगर आप देखें उसका चरित्र है उपनिवेशवाद का। अगर आप इनको गौर से देखें तो जो उपभोक्ता की सर्वोच्चता का नारा है, जहां ये कहा जाता है कि हमारे लिए उपभोक्ता सब कुछ है और इसमें उपभोक्ता का हित है। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में कहा यह जाता है कि उपभोक्ता का इसमें बहुत बड़ा हित है। क्या हित है? कि अगर आप भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में हैं और मार्केट में, आप अपने मार्केट में अंतर्राष्ट्रीय और जो विकसित देशों के लिए आप बाजार खोल देते हैं, तो एक ही बाजार में आपको एक ही उत्पाद के अनेक विकल्प आपके सामने मौजूद है। उपभोक्ता के पास चयन का आधार है, वो 10-20 चीजों में से अपने लिए चुनता है तो वो एक सही चीज को चुन सकता है या बेहतर चीज को सुन सकता है, चुनता है। वो एक विकल्प आपको दिया गया कि बहुत सारे उत्पाद, मार्केट आपका तरह तरह के ब्रांड से, एक ही उत्पाद के बहुत सारे ब्रांड है जिनसे मार्केट आपका भर गया है। ये उपभोक्ता के पास निश्चित रूप से चयन का एक बहुत ऐसा अधिकार आया है कि वो एक ही अगर गाड़ी खरीदना चाहता है, एक गाड़ी खरीदना चाहता है तो आपके उसके पास एक या दो की चॉइस नहीं है, उसके पास तमाम सारे ब्रांड है, उसमें से जाकर के वो चुन सकता है। वो खुश होता है कि तमाम सारी गाड़ियों में उसको उसके पास चुनने का अधिकार है। दूसरा नारा है समरूपीकरण। समरूपीकरण ये कहता है कि ये जो भूमंडलीकरण की प्रक्रिया है ये समान रुचियों का, समान शैलियों का एक विश्व मॉडल बनाएगी। कैसे? जो विश्व में तमाम तरह की संस्कृतियां हैं, यानी जातीय विभेद को खत्म कर देगी, सांस्कृतिक वैविध्य को खत्म कर देगी और एक संस्कृति, एक ही संस्कृति होगी। वो कौन सी? विश्व संस्कृति होगी। यानी कि मनुष्य एक ही तरह से सोचेगा, एक ही विश्व मानव होगा और पूरे विश्व में एक ही संस्कृति होगी। तो ये सामाजिक समानता का नारा भी देता है और दूसरी तरह सांस्कृतिक समानता का नारा भी देता है। तो समरूपीकरण का एक मॉडल ये बनाकर चलता है। अगर आप और आगे आइए तो आप देखेंगे कि इसमें उपनिवेशवाद छिपा हुआ है इस भूमंडलीकरण में। भारत के संदर्भ में देखें तो एक उपनिवेश आपका आया था आजादी से पहले, लेकिन वो उपनिवेश खुल करके होता है और खुला है, इसमें दिखाई दे रहा है कि उपनिवेशवाद स्थापित किया जा रहा है। लेकिन भूमंडलीकरण के जरिए जो नव उपनिवेशवाद है वो छद्म तरीके से आता है, अप्रत्यक्ष रूप से आता है, आपको पता नहीं लगता, और धीरे धीरे कर मार्केट के जरिए वो अपना वर्चस्व यहां पर कायम कर लेता है।
तो चौथी बात यह है कि इस विमंडीकरण की प्रक्रिया में राष्ट्रीय सीमाओं का उल्लंघन हो जाता है, राष्ट्रीय सीमाएं आपके लिए बेमानी हो जाती है क्योंकि अपने आप सीमाओं को खोल देते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए। तो ये विमंडीकरण का पूरा चरित्र है। छात्रों अब देखेंगे कि इस विमंडीकरण की प्रक्रिया किस तरह से मीडिया के द्वारा ये बढ़ाई जाती है। इस विमंडीकरण का असली वाहक जो है वह मीडिया है। अगर आप अपने कंप्यूटर तोड़ दीजिए तो विमंडीकरण की प्रक्रिया वही अवरुद्ध हो जाएगी। मीडिया बहुत बड़ा वाहक है विमंडीकरण का। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश होता है मीडिया में और तब मीडिया इस विमंडीकरण के पूरे चरित्र को आगे बढ़ाने का काम करता है। मीडिया एक औजार है विमंडीकरण को बढ़ाने का। अब आर्थिक साम्राज्यवाद जो विमंडीकरण का पूरा अभियान है वो अभियान भारत जैसे देश में कभी भी पूरा नहीं हो सकता था जब तक कि आप यहां की संस्कृति पर अटैक नहीं करते। क्यों? याद कीजिए छात्रों कि हमारे यहां हमारी जो संस्कृति है वो ये कहती है साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। कहा जाता था जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, और हमारे यहां सादा जीवन उच्च विचार की परिकल्पना थी। तो अगर वही उच्च विचार की परिकल्पना सादा जीवन उच्च विचार की परिकल्पना हमारे यहां होती तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो सामान आपके बाजार में आ रहा है शायद हम उसको नहीं खरीदते। तो उसके लिए जरूरी था कि आर्थिक साम्राज्यवाद की मुहिम तभी पूरी हो सकती है जब आप सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का मुहिम पहले चलाएं। हमारी जो अपनी संस्कृति है यानी किसी जिस देश में आप जा रहे हैं मार्केट लेकर के, उस देश की अगर संस्कृति सादा जीवन की है तो सादा जीवन को जब तक आप खत्म नहीं करेंगे और उस जीवन में नई शैली का नई जीवन शैली का प्रचार नहीं करेंगे, एक कंज्यूमर कल्चर को जब तक नहीं लाएंगे तब तक वो लोग आपके सामान को नहीं खरीदेंगे। तो इस मीडिया के जरिए एक मुहिम चलाई गई कि उपभोक्तावादी संस्कृति यानी कंज्यूमर कल्चर को हमें यहां पर लाना है, उसका अभियान चलाना है। और गौर कीजिए कि अचानक आपका जो मीडिया बदलने लगता है। आपका मीडिया कैसे बदलता है? देखिए अल्विन टाफलर ने कहा है कि मानव सभ्यता तीन चरणों में चलती है। पहला चरण है कृषि सभ्यता का, दूसरा चरण है औद्योगिक सभ्यता का, और तीसरा चरण है हाई टेक्नोलॉजी की सभ्यता का, जिसको हम उच्च प्रौद्योगिकी की सभ्यता कहते हैं। और उच्च प्रौद्योगिकी ही आपकी ये ग्लोबलाइजेशन को लेकर के आती है। तो जो तीसरी सभ्यता है इसमें जहां पर हम कंज्यूमर कल्चर की बात करते हैं, तो ये तीसरी सभ्यता पूरी आपकी आती है इस मीडिया के जरिए। आजादी से पहले का जो हमारा मीडिया है आप देखें वो मिशन था, और आजादी के बाद मीडिया में व्यवसाय समाता है और मिशन नहीं रहा, आजादी के बाद मीडिया व्यवसाय बन जाता है। लेकिन व्यवसाय बनने के बाद भी मीडिया के भीतर ये चेतना थी कि ये जो मीडिया है वो एक दूसरे किस्म के व्यवसाय से पूरी तरह से भिन्न है, क्योंकि ये चावल बेचने जैसा या हल्दी जीरा बेचने जैसा व्यवसाय नहीं है। इस व्यवसाय के साथ कुछ नैतिक मानदंड है, कुछ हमारे समाज के नैतिक दायित्व है, देश के साथ जो दायित्व है वो इस व्यवसाय के साथ जुड़े हुए। ये मीडिया कर्मियों के दिमाग में ये बात पूरी तरह से बैठी हुई थी, और ये भी था कि मीडिया जो है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और ये तीन स्तंभ से ज्यादा अधिक शक्तिशाली है क्योंकि इसको देखना है कि लोकतांत्रिक मूल्यों का संवहन कैसे हो। और एक संपादक जो होता था वह दिशादाता की भूमिका में होता था। लेकिन जैसे ही ग्लोबलाइजेशन होता है आर्थिक उदारीकरण के बाद हम विमंडीकरण की प्रक्रिया में हमारा देश जैसे ही शामिल होने लगता है आप देखते हैं कि हमारे मीडिया का चरित्र पूरी तरह से बदलने लगता है। प्रिंट मीडिया में देखिए कि वहां संपादक की भूमिका खत्म होने लगती है, संपादक की सत्ता पर प्रभाव आ जाता है, संपादक की सत्ता वहां संस्था के रूप में खत्म हो जाती है, और वहां मार्केटिंग एडिटर की सत्ता प्रभावी होने लगती है क्योंकि अब प्रिंट मीडिया
कि जिम्मेदारी ये आ जाती है कि ज्यादा से ज्यादा विज्ञापन आप कैसे बटोर कर लाए, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विज्ञापन कैसे हम अपनी झोली में ला सके। प्रिंट मीडिया का भी सारा जोर इसी बात पर होता है और इस बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विज्ञापन को बटोरने के लिए प्रिंट मीडिया का भी चरित्र बदलने लगता है। तो भूमंडलीकरण के बाद जो हमारा मीडिया है, जो मिशन से व्यवसाय बना था, लेकिन भूमंडलीकरण के दौर में वो पूरी तरह से बाजार की कठपुतली बन जाता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे वो प्रिंट मीडिया हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का चरित्र भी आप देखें तो दो धारावाहिक आप याद कीजिए कि हमारे आते थे, बुनियाद और हम लोग, जिनको देखने के लिए सड़कें जो है सुनी हो जाती थी, और वो दोनों धारावाहिक एक हम लोग मध्यवर्गीय जीवन का प्रतिबिंब था, उसके संघर्ष का, उसकी आकांक्षाओं का, उसकी भावनाओं का। बुनियाद के साथ पूरा एक इतिहास जुड़ा हुआ था, एक राष्ट्रीय जज्बा जुड़ा हुआ था, लेकिन जैसे भूमंडलीकरण की प्रक्रिया होती है और उसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां आती हैं मीडिया में, आप देखें कि आपके धारावाहिकों की पूरी शक्ल बदल जाती है। अब धारावाहिक पर पूरी एक सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का मुहिम चलता है, उसकी पूरी संस्कृति बदल लगती है। उस धारावाहिकों में आप देखें बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी गाड़ियां और पूरी लाइफ स्टाइल पात्रों की आपको बदलती हुई नजर आती है। मीडिया के नायक आपको बदलते हुए नजर आते हैं, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। हमारे यहाँ दूरदर्शन आकाशवाणी का जो मुहिम था उसमें तीन चीजें थी, शिक्षा, सूचना और मनोरंजन। शिक्षा, सूचना, मनोरंजन का एक समन्वित उद्देश्य लेकर के हम चले थे। शिक्षा, उस शिक्षा के लिए हमें कहा गया था कि वो शिक्षा, एक मुकम्मल शिक्षा का मतलब है जो आपको जीना सिखाए, रोते हुए भी नहीं और पूरी तरह हंसते हुए भी नहीं, बल्कि सहज भाव से, अकुंठित भाव से, अपराजित मन से आपको जीना सिखाए, प्रिय अप्रिय सबको स्वीकार करते हुए जीना सिखाए। वो मीडिया जो राष्ट्रीय संस्कार देता था, शैक्षिक संस्कार देता था, आप अपने अंतर को कैसे परिष्कृत करें ये देता, सामाजिक राजनीतिक जो समस्याएं हैं उनको उभारता, उनका एक पूरा प्रतिबिंब होता था। वो मीडिया धीरे धीरे करके भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में बदलता चला जाता है। हमारे समाचार कक्ष बदल जाते हैं, पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पूरा तेवर बदल जाता है, उसका कलेवर बदल जाता है। प्रिंट मीडिया का पूरा अगर आप देखें तो पत्रिकाओं के चिकने पन्ने, उनके फोटोग्राफ्स, वो सब बदल जाते हैं, टेक्निक पूरी तरह से बदल जाती है, उसका जो कंटेंट है वो भी बदलने लगता है। अगर हम आप देखें तो मीडिया में ऐसे नायक नहीं है कि जिस तरह से पहले वो नायक होते थे, दीर्घकालिक नायक होते थे, लंबे समय तक उनके नायकत्व का प्रभाव होता था, महात्मा गांधी थे, तिलक थे, गोखले थे, लेकिन आज के नायक अगर आप देखें तो किस तरह के नायकों की छवि हमारे यहाँ आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छवियों का विस्फोट है। वहां भी ऐसे नायक, मसल पावर, मनी पावर से निकले हुए नायक, यानी हम कह सकते हैं कि खलनायक ही अब नायक बन रहे हैं। मुझे एक अमरेंद्र जी एक याद आ रहा है कि आप याद कीजिए कि चंदन का तस्कर जो था वीरप्पन, वीरप्पन पर एक अखबार में खबर छपती है कि और बड़े से फोटोग्राफ के साथ, जब वो राजकुमार को, जो फिल्म स्टार थे वहां के, उनको वो ले जाते हैं अपहरण करके, तो एक खबर आती है, उसमें कहा जाता है कि पूरी खबर मुझे याद आ रही है कि उसका शीर्षक था कि राजकुमार को पालकी पर ढोते हैं वीरप्पन के आदमी, और खबर का जो कंटेंट था वो ये था कि राजकुमार के घुटनों में दर्द रहता है और वीरप्पन ने अपने आदमियों से कहा कि मोर का जो पंख होता है उसका तेल आप निकालिए और उसको लेकर के आइए, उसकी मालिश जो है फिर वीरप्पन के घुटने पर होती थी। तो एक वीरप्पन का एक आपके जो मानवीय पहलू वहां सामने रखा और एक तरह से उस मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने वीरप्पन को एक नायक की तरह से दिखा दिया जो चंदन का तस्कर था। तो इस तरह से, और धारावाहिक में आप देखिए कि जितने भी आपके हीरो हैं उस समय वो सारे खलनायक हैं, यानी मसल पावर और मनी पावर से निकले हुए, जब बहुत सारे अभिजाते अचानक उनके पास पैसा आ जाता है, तो पूरा एक
पूरे मीडिया के जरिए जो है एक उपभोक्तावादी संस्कृति को फैलाने का काम हो रहा है। न्यूज में भी आप देखिए, अगर आप तो हॉलीवुड से बॉलीवुड की खबरों से आपके न्यूज चैनल जो है भरे हुए होते हैं, तो एक खास तरह के स्टाइल को वो आपको दे रहे हैं, ताकि आप जो धारावाहिक का कंटेंट भी ऐसा होता है कि जो विज्ञापन छोटा सा विराम या कमर्शियल ब्रेक आफ्टर द ब्रेक के बाद आप आते, तो आफ्टर द ब्रेक में जो चीज आपको से पहले ब्रेक में जो चीज आपको दिखाई जाती है वो जो विज्ञापन है उन विज्ञापन का तालमेल आपके कार्यक्रम के साथ होता है। यानी मीडिया जो कार्यक्रम है और विज्ञापन उद्योग के बीच में एक साठगांठ है। जाहिर है कि आप अगर विज्ञापन तो आप देंगे बिल्कुल, अगर आप इस तरह से देते हैं सारा जीवन वाले, और आप विज्ञापन दे रहे हैं बिल्कुल कॉस्मेटिक सर्जरी वाले, तो जाहिर है उनके बीच कोई तालमेल नहीं होगा। तो मीडिया कार्यक्रम संरचना विज्ञापन के उद्योग के बीच एक साठगांठ होती है, और विज्ञापन देने वाली कंपनियां बोर्डरूम में आ जाती है कि भाई आप इस तरह के विज्ञापन दीजिए, इस तरह के चीजों को छापे। तो बराबर कंट्रोल जो है विज्ञापन उद्योग का है, अप्रत्यक्ष रूप से भी है, प्रत्यक्ष रूप से भी है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को टीआरपी बढ़ानी है, प्रिंट मीडिया को भी विज्ञापन बटोरने है, तो पूरी तरह से चरित्र बदलने लगता। अब शिक्षा सूचना मनोरंजन का पूरी तस्वीर किस तरह से बदलती है। पहले जो सूचनाएं होती थी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी और प्रिंट मीडिया में भी, वो बराबर उनमें कंट्रोल होता था, वो छन करके पाठक तक पहुंचती थी, छन करके श्रोता तक पहुंचती थी, दर्शक तक पहुंचती थी। लेकिन अब आपके पास सूचनाओं का ऐसा भंडार है इंटरनेट का कि वो खुंजा सेंस में है सूचनाओं का, और आप वहां से वो टीआरपी बढ़ाने की दौड़ में आप होते हैं और वहां से सूचनाएं लेते हैं बिल्कुल आप, या आपकी सूचना और डिफरेंट सोर्सेस से आती है तो बिना उनके शुद्धता को जांचे बिना आप तुरंत उसको प्रसारित कर देते हैं। तो वो सूचना सही है या गलत है ये आपको पता नहीं, बाद में चाहे आप खेद व्यक्त कर दीजिए। तो वो सूचनाओं का अविरल प्रवाह, और ये सूचनाओं का जो अविरल प्रवाह है वो भी एक तरफा है, वो विकसित देशों से ज्यादा आ रहा है, यहां से वो कम जा रहा है। तो भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में जो ये कहा गया कि वो एक ही संस्कृति होगी और एक अच्छी संस्कृति को हम लेकर आएंगे, एक अच्छी तरह का विश्व मानव होगा, लेकिन वो देखिए कि अगर इस भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में एक देश दूसरे देश की संस्कृति से तालमेल बैठाते हैं, एक देश की संस्कृति दूसरे देश की संस्कृति से मिलकर के व्यापक बनती है, तो इसमें कोई हर्ष नहीं है। लेकिन इस विमंडीकरण की प्रक्रिया में हो क्या रहा है कि विमंडीकरण का प्रवाह एक तरफा है, विकसित देशों से अल्पविकसित या विकासशील राष्ट्रों की तरफ, जबकि अल्पविकसित और विकासशील राष्ट्रों से विकसित देशों की तरफ बहुत कम प्रवाह है। तो कुछ तुम हमें बताओ कुछ हम तुम्हें बताएं वाली बात होती तो यहां स्वीकार्य था और समझ में आती। लेकिन इस विमंडीकरण की प्रक्रिया में यह हो रहा है कि ये विमंडीकरण की प्रक्रिया हमारे सांस्कृतिक वैविध्य को मिटा करके, हमारी जो स्थानीय संस्कृतियां हैं उनको मिटा करके एक संस्कृति बनाने की हम बात करते हैं। तो इस विमंडीकरण की प्रक्रिया में जिस तरह से मीडिया एक खास तरह के कंज्यूमर कल्चर को, उपभोक्तावादी संस्कृति को फैला रहा है, तो उसमें अगर इस विमंडीकरण की प्रक्रिया में अगर आपकी स्थानीय संस्कृति का लोप हो जाए और आपके सांस्कृतिक वैविध्य खत्म हो जाए, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का तो यही है कि पूरा हमारे यहाँ एक सांस्कृतिक वैविध्य है, वही आपको बहुत अच्छा लगता है, बड़ा सुकून देता है। आप जगह जगह दूसरे राज्य में जाइए तो वहां आपको पहनावा अलग मिलेगा, खान पान अलग मिलेगा, और अनेकता में एकता हमारी खूबी है। अगर वही सांस्कृतिक वैविध्य अगर खत्म हो जाए, आपकी क्षेत्रीय संस्कृति स्थानीय संस्कृतियां खत्म हो जाए, तो मुझे लगता है कि किसी भी देश प्रेमी के लिए या किसी भी चिंतक के लिए हमारे लिए स्वीकार नहीं होगा। जबकि विमंडीकरण की इस प्रक्रिया में मीडिया के जरिए जो फैलाई जा रही है उसके जरिए बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि इस विमंडीकरण की प्रक्रिया में क्या हम अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा कर पाएंगे, किस सीमा तक बचे रहेंगे हमारे मानवीय राष्ट्रीय सरोकार, जो एक हमारे यहाँ का जो अर्थतंत्र है, कमजोर अर्थतंत्र है, और उसके शिकंजे में, दमकोटू शिकंजे में जिस तरह की जिंदगी जी रहे हैं लोग, उसके बीच क्या वे लोग भूमंडलीय प्रभाव से अपने को मुक्त रख पाएंगे, किस सीमा तक बचे रहेंगे हमारे दायित्व।
ये बहुत बड़े सवाल है जो भूमंडलीकरण से निकल करके आते, क्योंकि भूमंडलीकरण की जो प्रक्रिया है वह संवेदनाओं के ऊपर पूंजी की सत्ता को स्थापित कर देती है। और इस भूमंडलीकरण का जो पूरी प्रक्रिया है, किस तरह से प्रिंट मीडिया को चलाने वाले जो उद्योगपति हैं उन पर कैसे अपना दबाव बनाती है। अब देखिए, एक राष्ट्रीय समाचार पत्र का जो संस्थान है उसने अपने यहां बेलबोर्न में एक मुहावरा उछाला था, मुझे याद आ रहा है, काउ एंड डॉग का। उन्होंने कहा कि हमें लोग अपने घरों में कुत्ता पालते हैं स्टेटस के लिए, हमें कुत्ता नहीं पालना है। उन्होंने अपने जो संपादकों की मीटिंग की, उन्होंने कहा कि हमें जो है गाय पालनी है, यानी गाय का दोहन कर सकते हैं। तो हमें पेपर को ऐसा चलाना है कि हम उसका दोहन कर सके, हमें कोई नैतिक दायित्व करने के लिए, गरिमा बनाने के लिए पेपर को नहीं चलाना। और ये निर्देश दिए गए कि पेपर में हल्की फुल्की चीजों से उसको भरा जाए। साफ है कि एक जमाना था जब आपके अखबार में गंभीर चीजें छपती थी, गंभीर दर्शन के, चिंतन के, साहित्य के मुद्दे होते थे। पहले तो साहित्य लिटरेचर इन हेस्ट कहा गया, पत्रकारिता को जल्दबाजी में लिखा गया, साहित्य कहा गया। लेकिन आज क्या है कि आप हमारी मीडिया से जो गंभीर चिंतन, दर्शन और साहित्य के मुद्दे खसक गए हैं, और उसकी जगह बहुत हल्की फुल्की मनोरंजन की, सेक्स, फैशन, हिंसा ने ले लिया। यानी ये भूमंडलीकरण का ही दबाव है, भूमंडलीकरण की प्रक्रिया है, जिसके कारण जो ग्लैमरस पत्रकारिता का दौर है आज, आपके पत्रकारिता का जो कंटेंट है, जिसकी सामग्री है, फैशन की दुनिया से, सेक्स की दुनिया से, ग्लैमर की दुनिया से निकल करके आती है। यही वजह है कि एक समाचार संस्थान ये कहता है कि हम मृत्यु की खबर नहीं छापेंगे। कोई साहित्यकार मरता है तो हम नहीं छापेंगे। कोई मान लीजिए कि कोई एनजीओ का कोई बहुत बड़ा समाज सेवी मरता है, हम नहीं छापेंगे। लेकिन वही समाचार पत्र जब किसी फाइव स्टार होटल में किसी बॉलीवुड की अभिनेत्री जो है मरी हुई पाई जाती, तो उसकी खबर वो महीनों चला सकता है। मुझे याद आया कि एक अमेरिका में एक अश्विनी सुंदरी जो है माइक टाइसन को एक गुलदस्ता भेंट करने गई थी, आपको याद होगा वो घटना। और वो गुलदस्ता भेंट करने गई तो उसने उसको अपने कमरे में खींच लिया, उसका रेप हुआ और वो रील वहां के अखबारों में चली, वहां से वो इंडिया आई और यहां से वो फिर बराबर वो अखबारों में अटखेलिया करता रहा। वो प्रसंग मोनिका लेविंस्की और बिल क्लिंटन के जो जो कारनामा हुआ, उसने उसको पीछे छोड़ दिया। उसको भी आप देखिए लगातार वो खबर आती है। तो इस तरह की जो खबरें होती है बराबर मीडिया उसको लपक करके लेता है, जो सेक्स से जुड़ी खबर है। तो मीडिया की जो विषय सामग्री है वो पूरी तरह से बदलने लगी। अब ये जो विषय सामग्री है मीडिया की, वो आपके भीतर किसी तरह की चेतना को नहीं जगाती। यानी विसंगतियां जो समाज की है, जो भ्रष्टता है, विसंगति, उनके विरुद्ध कोई चेतना नहीं जगाती है, आपकी स्वयं की संवेदना को नहीं जगाती, आपकी मानवीय सरोकारों को नहीं जगाती। यानी हमें अखबारों में बहुत कम मिलता है, लेकिन बहुत कम अनुपात मिलता है कि आप अपने भीतर की जो सुंदरता है कैसे निखारें, बाहर की सुंदरता को कैसे आप निखारे, वो तो दिखाई देता है। आप कहां कॉस्मेटिक सर्जरी कराए, कहां पे आप अपने होठों को ठीक करा सकते हैं। आप देखिए कि पूरा पन्ने बराबर बढ़ते चले जा रहे हैं मीडिया में ज्यादा ज्यादा विज्ञापन देने के लिए। तो इस पूरा पन्नों का जो नायक है वो कौन है? पूरा पन्नों का नायक आदिजात्य वर्ग का नायक है, जो गलत सड़क तरीके से पैसा कमा के एक आदम्बर रचता का नायक है। अगर आप उन पन्नों को देखें, सप्लीमेंट जो है, तो दिखाई देते हैं कि कौन किस तरह की शराब किस तरह से ढालकर पी रहा है, किस कंपनी के जूते ज्यादा बिकाऊ हैं, कौन अभिनेता अपनी दाढ़ी किसकी बहुत अच्छी लग रही है, किस रंग में कैसी साड़ी पहनी है, कौन से रंग की साड़ी वो पार्टी में पहन करके गई, आज वो कैसी लग रही थी, ये पूरी मीडिया की सामग्री आपकी होती है। तो पहला जो पृष्ठ होता था किसी राष्ट्रीय समाचार पत्र का, वो देश की राजनीति का, सामाजिक स्थितियों का आईना हुआ करता था। लेकिन आज वो अगर आप देखें तो कई बार ऐसा लगता है कि कहां है राजनीतिक आईना, कहां है आपके समाज का आईना। मुझे याद आ रहा है कि अभी वैलेंटाइन डे आने वाला है अमरन जी, तो वैलेंटाइन डे का एक अखबार मेरे सामने आ रहा है दिमाग में, तो वैलेंटाइन डे पर एक अखबार आया, राष्ट्रीय समाचार पत्र था, और उसकी जो लीड स्टोरी थी वो ये थी कि कलकत्ता के गिफ्ट शॉप में वैलेंटाइन डे की पूर्व संध्या को एक दूसरे के लिए गिफ्ट खरीदते हुए कुछ युवा, और एक बड़ी मनमोहक सी वहां पर वो फोटो लगी हुई थी बड़ी सी। और उसकी जो सेकंड लीड थी वो था कि आसमान में कर दीजिए एक सितारा अपने महबूब के नाम।
और तीसरी छोटी सी राजनीतिक खबर थी और सब तरफ विज्ञापन विज्ञापन थे। तो ये एक राष्ट्रीय समाचार पत्र का एक स्वरूप किस तरह से बदल रहा है। अब ये जो मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसने अपने सूचना संसार को बदल दिया है, मनोरंजन का संसार बदल गया है, वो किस तरह से एक संप्रेषण के सिद्धांतों के जरिए जो है पूरी तरह से हमारे यहाँ के किसी भी व्यापक समुदाय पर असर डालता है और पूरे उसके मनोविज्ञान को बदल देता है, यानी उनकी रुचियों को बदल देता है, उसकी जीवन शैलियों को बदल देता है, उसके पूरे बिहेवियर को बदल देता है और पूरा परिवर्तन का कारक होता है। मार्शल मैक्लुहान की मुझे एक बात याद आ रही है कि जो अचानक ऐसा होता है कि आपको ये लगता है कि आपकी सोची समझी जो परंपराएं हैं, वो परंपरागत जो नीतियां अचानक आपको विद्वेषपूर्ण लगने लगती हैं और अलगाव की ओर बढ़ती प्रतीत होती है, और ये जो सारी चीजें हैं ये किसी भी नए संचार माध्यम का परिणाम है और ये अध्ययन की आवश्यकता की ओर आपको प्रेरित करते हैं कि इनकी स्टडी होनी चाहिए, किस तरह से ये परिवर्तन लाते, कितना तीव्र परिवर्तन लाता है संचार में। तो जो नया संचार माध्यम है और नई टेक्नोलॉजी है, पूरी तरह से इसने बिल्कुल बदल दिया, आपके मीडिया के कलेवर को बदल दिया, और मीडिया जो है बराबर जो है हमारे जो हम लोग हैं, हम जो नागरिक हैं, हम जो जनता है, उनके पूरे बिहेवियर को बदल रहा है। अब आप देखिए अन्ना हजारे वाला पूरा आंदोलन है, किस तरह से एक मानसिकता उसने बना दी और कितना बड़ा चेंज आपको सोसाइटी में दिखाई दे रहा है, तो वो पूरी तरह से बदल देता है मैजिक बुलेट थ्योरी के जरिए, हाइपोडर्मोबिलिटी थ्योरी जो हम कहते हैं मीडिया की, उस तरह से वो असर करता है। अब चूंकि पूरा समाज आपका इस तरह से हो गया है आज व्यवसाय के समय में या बाजार के समय में कि जो बच्चा है, आप देखिए कि किस तरह से बच्चे से लेकर बूढ़ा व्यक्ति तक इस मीडिया के चंगुल में है, मीडिया का असर किस तरह से होता है। माँ काम करने जाती है, थकी हुई घर पर आती है और वो थक करके बेटे को क्रच से लेकर के आ रही है, लेकिन वो क्या करती है कि आ करके बच्चे को टीवी के सामने बैठा देती है। एक जमाना था कि माँ जो है वो पहली शिक्षक होती थी बच्चे की, लेकिन आज बच्चे की पाठशाला जो है वो बन गया है टीवी, और बच्चा बचपन से इस टीवी को देख रहा है, उस पाठशाला में वो धीरे धीरे से सीख रहा है, विज्ञापन संस्कृति से वो निकल करके आता है बच्चा। यही बच्चा जब युवा होता है, और एक प्रसंग सुनाना चाहूंगी कि अगर वो विलियम पाउंड डे का जिक्र बार बार आ रहा है कि वो शाम को सुनता हुआ घर वापस लौटता है और माँ और बाप अगर उसमें से एक अभिभावक उसको थप्पड़ मारते हैं, तो उसे बेचारे को समझ में नहीं आता कि उसे थप्पड़ क्यों मारा गया, क्योंकि उसे तो लगता है कि टीवी पर दिखाई गई संस्कृति से वो एकाकार हो रहा है, यही संस्कृति है, यही संस्कृति चलेगी। तो वो विसंगतियों के ऐसे चौराहे पर आकर खड़ा होकर जहां से उसे साफ रास्ता नजर नहीं आता, तो ये सांस्कृतिक उत्पीड़न जो इस भूमंडलीकरण का एक समझ लीजिए चरित्र है, जो ये दिखाई दे रहा है कि किस तरह से आपकी संस्कृति बिखर रही है और एक सांस्कृतिक साम्राज्यवाद जो है इसके जरिए बराबर आपके समाज पर दखल दे रहा है, बराबर उस पर आ रहा है। इसी तरह से युवा की मानसिकता को बदल रहा है, आपके भीतर पैसे की भूख, आप कौन बनेगा करोड़पति जैसे जो प्रोग्राम आते हैं, छप्पर फाड़ के जो प्रोग्राम आते हैं, यानी आप धीरे धीरे मेहनत से पैसा कमाते थे, लेकिन अब ये है कि आपको क्विक मनी, इंस्टेंट मनी कैसे पाए, इस तरह की चेतना हम लोगों के भीतर जो है पैदा करने की कोशिश है कि जल्दी जल्दी पैसा कमाइए और पैसे के पीछे आफ्टर मतलब मनी के पीछे जो है आप भागिए, क्योंकि मनी के पीछे होंगे तो ज्यादा से ज्यादा जो मल्टीनेशनल कंपनी के ब्रांड है उनका सामान आप खरीदेंगे। तो एक पूरी तरह से कंज्यूमर कल्चर को उपभोक्तावादी संस्कृति को फैलाने का काम हो रहा है और इस उपभोक्तावादी संस्कृति के व्यापक प्रचार प्रसार का मुहिम मीडिया के जरिए चलाया जा रहा है, और वहां आपकी जो भाषा है, आपकी संस्कृति, बहुत सारी चुनौतियां हैं इस मूल्य मीडिया की। तो छात्रों देखते हैं इसकी क्या क्या चुनौतियां हैं। इसकी चुनौती ये है कि किस तरह से मीडिया जो आज एक बाजार के चंगुल में है, बाजार की कठपुतली है, तो कैसे ये बाजार की जो कठपुतली बना हुआ है व्यावसायिकता की डोर को पकड़ करके चल रहा है, कैसे व्यावसायिकता की डोर को काट करके मीडिया के लोक कल्याणकारी रूप को कैसे बनाया जाए, कैसे निर्मित किया जाए, उस रूप में बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने। एक बहुत बड़ी चुनौती है कि ये जो मीडिया जिसमें इंग्लिश चल रही है, अंग्रेजी चल रही है, जिसमें एक जमाना था कि संपादक ये चिंता करते थे कि हम अपनी भाषा को सरल भाषा हो लेकिन पहली भाषा हो
और एक भाषा आपकी बची रहे, भाषा की जो मूल स्वभाव है उसकी गरिमा बची रहे। आज मीडिया एक खास तरह की भाषा को तरजीह दे रहा है और ऐसी भाषा जो मूल स्वभाव को बचा नहीं पा रही, और ऐसा लग रहा है कि आपकी भाषा कहां जा रही है। बहुत बड़ी चुनौती है आपके सामने कि आप अपनी भाषा को उसकी मूल, उसका मूल स्वभाव, उसकी गरिमा को कैसे बचा करके रखें। इस तरह की भाषा वांछनीय है कि जो भाषा बहुत आसानी से जो मीडिया आपको दिखा रहा है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, समाचार आसानी से पाठक तक पहुंच सके, मनोरंजन प्रधान कार्यक्रम है तो उनकी मूल संवेदना पहुंच सके, ये तो ठीक है। लेकिन इस के चक्कर में अगर भाषा आपकी कहीं बिगड़ने लगे, अराजक भाषा होने लगे, तो ये भी एक चिंता की बात है हमारे लिए। तीसरी बात है कि जिसको कहा गया कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो क्या मीडिया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी निभा पा रहा है? यहां पर भी हमें देखना होगा कि कैसे वो इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका को ज्यादा असरदार तरीके से निभाए, हम मीडिया के चरित्र को कैसे बना सके, ये भी हमें देखना होगा। हमें ये भी देखना होगा कि एक जो हम परायपन के दर्पण में खोते चले जा रहे हैं, आत्म परायपन के दर्पण में, जहां आपकी संस्कृति का वजूद खतरे में है, तो हम अपनी संस्कृति को कैसे बचाए रखें। यानी ऐसा ना हो कि हम विश्व मानव बनने की परिकल्पना में एक विश्व संस्कृति के चक्कर में हमारी जो अपनी संस्कृति है वो कहीं खत्म हो जाए, और किसी भी देश की संस्कृति का खत्म होने का मतलब है उस देश का मिट जाना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। तो मीडिया का लोक कल्याणकारी रूप कैसे भरा जाए, संस्कृति को कैसे बचाया जाए, भाषा को कैसे बचाया जाए, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका को कैसे निभाया जाए, तो ये तरह तरह के प्रभाव जो है, ये जो भूमंडलीय प्रभाव है, साम्राज्यवाद के तरह तरह के साम्राज्यवाद की धूल को झाड़ करके हम अपने को कैसे निखार सके, अपने वजूद को कैसे बना सके, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मीडिया आर्थिक हित तो सोच रहा है, लेकिन राष्ट्रीय हित क्या हो, राष्ट्रीय हित का दायरा क्या हो, डोमेन क्या हो, कौन कौन से पक्ष है, उसके बारे में ना कोई सोच रहा है ना बातचीत कर रहा है। वो राष्ट्रीय हित मीडिया का क्या है, उस पर बात। हाँ, बिल्कुल सही बात आपने कही कि देखिए, शुरू में जैसे मैंने कहा था, मंडलीकरण की प्रक्रिया एक अंतर्राष्ट्रीय कह लीजिए एक पहलू है इसका, और ये प्रक्रिया जो है वो निर्बाध आधारित बाजार अर्थव्यवस्था है, पूरा अंतर्राष्ट्रीय दुष्चक्र है। तो ये कहता ही ये है कि हम जो है एक विश्व मॉडल बनाएंगे, तो वहां आप अंतर्राष्ट्रीय तो होते हैं लेकिन राष्ट्रीय नहीं रह पाते। ये क्या अच्छी बात है कि एक बच्चा अंतर्राष्ट्रीय तो हो जाए, अमेरिकन जीवन शैली तो वो सीख जाए, लेकिन अपनी जीवन शैली उसकी कहीं दूर खसक जाए। तो पहले राष्ट्रीय सरोकार, फिर अंतर्राष्ट्रीय सरोकार, जो गांधी जी करते थे। हाँ, भूमंडलीय परिप्रेक्ष्य में जनसंचार की भूमिका हम मानते हैं कि ये होनी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो समस्याएं हैं उन पर उनका समाधान कैसे निकाला जाए, कैसे संपूर्ण देश जो है, विश्व के जो है, एकजुट होकर के जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं उन पर सोचे। लेकिन उससे पहले आपको अपने देश की समस्याओं पर भी सोचना है, जो आपकी राष्ट्रीय समस्याएं हैं। हालांकि बहुत सारी राष्ट्रीय समस्याएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं भी, पर्यावरण की समस्या जो है पूरे विश्व की समस्या है। तो राष्ट्रीय समस्याएं कुछ आपके डिफरेंट तरीके की हैं, तो उन पर सोचना जो है वो भी सोचना है, और मीडिया को इसमें बराबर अपनी भूमिका बनाए रखनी है, तभी उसके मीडिया के जो राष्ट्रीय सरोकार है उसको आप सुरक्षित रख पाएंगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। महात्मा गांधी के शब्दों में इसको इस तरह से समझे कि जब वो कहते थे कि अगर विश्व के बारे में सोचना है तो अपने बारे में सोचो, अपने पड़ोसी के बारे में सोचो, वो भी विश्व के बारे में सोचना है। बिल्कुल बिल्कुल, इसको अपना अंदाज छोटे छोटे से करके आप बड़ा दायरा, बड़े दायरे की तरफ जाते हैं। ये क्या अच्छी बात हो कि अपने परिवार को आप दरकिनार करके पहले आप जो है अपने परिवार को आप पुख्ता करेंगे, मजबूत होंगे, तभी आप मजबूती के साथ बाहर खड़े होंगे। तो ये दो तरह से देखने का नजरिया है, एक तो है कि सेंटर से आप पेरिफेरी की ओर जाएं, जी, वो तरीका, दूसरा है पेरिफेरी से सेंटर की ओर आने की ओर। जी, तो आज जब ग्लोबलाइजेशन के जगह ग्लोकलाइजेशन आ गया, बहुत लोग बात इस पर करना शुरू कर दिए हैं, तो क्या हम लोग ये माने कि अब फिर से उस पुरानी धारा पे हम लोग जा रहे हैं कि ये एक नई दिशा देगी ग्लोबलाइजेशन? देखिए, दो चीजें हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि ग्लोबलाइजेशन को लेकर के दो मत हैं,
एक तो ये कहता है कि अधिक रोजगार और पूंजी निवेश, लेकिन एक ये कहता है, साफ समझ में आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दुष्चक्र है और यहाँ हमारी लोकल जो है अस्मिता है, जातीय अस्मिता क्या खतरे में पड़ सकती है? तो जातीय अस्मिता अगर आपकी खतरे में, स्थानीय संस्कृति खतरे में, तो एक मुहिम तो शुरू होगा उसको बचाने के लिए। मैंने कहा ना कि नव उपनिवेशवाद है, तो नव उपनिवेशवाद जो आया है छद्म तरीके से आया है, ये पता नहीं लग रहा आपको, मैजिक बुलेट थ्योरी जैसे है, हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी है कि उसका असर है लेकिन आपको मालूम नहीं चला, धीरे धीरे करके असर आ रहा है और आप अपनी लोकल उससे खसक करके चलते चले जा रहे हैं। आप हमारे जो बच्चे अगर आप देखिए तो उन्हें अपने लोकल चीजों का मालूम नहीं है, उनको अपने खान पान में वो नहीं मालूम, वो बच्चा लस्सी नहीं जानता लेकिन वो बच्चा पेप्सी जानता है, वो बच्चा कोल्ड ड्रिंक के तमाम ब्रांड के नाम जानता है लेकिन वो शिकंजी नहीं जानता है, लेकिन नींबू पानी जो है डिफरेंट ब्रांड का वो उसको मालूम है। तो वो आपकी जो एक बहुत बड़ी चिंता है ये कि कैसे आप अपनी जो लोकल संस्कृति है, लोकल जो आपका सारी चीजें, उसको कैसे आप बचा करके रखें। तो ये एक देखिए रिवर्स भी होता है कि जब आपकी चीज खतरे में पड़ती है तो उसके प्रति आपकी चिंता भी जगती है। तो अपनी भाषा के प्रति और संस्कृति के प्रति एक मुहिम जो है शुरू हो चुका है, भूमंडलीकरण का विरोध, इसीलिए जगह जगह भूमंडलीकरण का विरोध है। लेकिन जो खतरा और जो इससे बड़ी खतरा है, ये जो बुलेट थ्योरी है, पर्नेडल थ्योरी जो है, तो डेवलपमेंट मीडिया थ्योरी का इनिशियल थ्योरी माना जाता है, इसके बाद फिर टू स्टेप थ्योरी, मल्टी स्टेप थ्योरी है, तो उसमें कहा जाता है कि अगर आप किसी के ओपिनियन चेंज करना है या उसको अपनी ओर आकर्षित करना है तो उस लोकल लीडर के थ्रू या ओपिनियन लीडर के थ्रू वहां तक पहुंचे। लेकिन आज स्थिति यह हो गई है कि वो ओपिनियन लीडर जो है जिसको हम खोजते हैं, जैसा कि आपने भी बताया, वो खलनायक नायक के तौर पर, अगर आपके शब्दों में करें, तो फिर जो पूरे विचार परिवर्तन का या खुद के विचार को सामने रखने का जो स्थिति आती है वो कहां से आएगी? ये बहुत बड़ी चिंता है कि वो कहां से आएगी। देखिए वो हमारे बीच से ही आएगी। ठीक है कि आपका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको हम मुख्य धारा का मीडिया कहते हैं, उस मुख्य धारा के मीडिया को आप कई जो हमने बातें कही कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी आप बखूबी निभाइए या वास्तविकता के चादर को चीर करके जो है लोक कल्याणकारी भूमिका को निभाइए, तो अगर आप मुख्य धारा के मीडिया को उपदेश देंगे तो वो इन उपदेशों को सुनने वाला बिल्कुल नहीं। अमरिंदी ये तो आप भी जानते हैं, क्योंकि उनके ऊपर तो जिम्मेदारी है टीआरपी बढ़ाने की, ज्यादा से ज्यादा विज्ञापन लेने की, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पैरेलल अब आप क्या करेंगे, क्योंकि मुख्य धारा तो बदलने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो भूमंडलीकरण की प्रक्रिया है या मीडिया संचार माध्यम जिस तरह से बदल गए हैं, पूरा इंटरनेट का संचार है, तो वो नहीं बदलेगा, क्योंकि एक तरफा दरवाजे से की गई यात्रा है, चाहे भी तो आप पीछे नहीं जा सकते हैं। लेकिन अब ये जो चुनौती हमारे सामने है, तो एक चीज मुझे समझ में आती है कि इसके पैरेलल आप वैकल्पिक मीडिया का एक स्तंभ आप खड़ा कर सकते हैं। तो उस वैकल्पिक मीडिया के जरिए जो आपकी चुनौतियां हैं, जो मुख्य धारा के का मीडिया के सामने, उन चुनौतियों को वो चाहेगा ही नहीं कि उन चुनौतियों को वो सामना करे, क्योंकि वो तो जो है उसकी तो चुनौती है विज्ञापन। तो उस चुनौती का सामना करने के लिए हमें एक पैरेलल समानांतर एक वैकल्पिक मीडिया को खड़ा करना होगा। तो वो जो वैकल्पिक मीडिया, तो वैकल्पिक मीडिया के जरिए हम इस तरह के नायक पैदा कर सकते हैं, इस तरह के नायकों को खड़ा कर सकते हैं। और वैकल्पिक, और ये अगर ये जो नायक हम खड़ा कर रहे हैं वो नायक अगर इस तरह के हों जिनका प्रभाव हो, तो वो फिर मेन स्ट्रीम मीडिया की जिम्मेदारी हो जाएगी। अन्ना हजारे को आप लीजिए, सोशल मीडिया के थ्रू आए थे लेकिन वो फिर उनकी जिम्मेदारी, उनकी उनकी आवश्यकता हो गई, उन्हें अनिवार्य हो गया कि वो उनको पब्लिसिटी दें। तो मेन मकसद यहाँ ये होना चाहिए कि वो वैकल्पिक तैयार करें। बिल्कुल, विकल्प हमें तैयार करने होंगे। और आप देखिए कि ऐसा नहीं है, तैयार हो भी रहे हैं धीरे धीरे। आप छोटे शहरों की तरफ निकल करके जाए तो छोटे छोटे से अखबार लोग निकालना है, छोटे छोटे से मैगजीन निकाले, उनके पास संसाधन नहीं है बिल्कुल भी। और उन अगर मैगजीन्स को उठा करके देखिए तो उनका लेआउट, उनका पैकेजिंग बहुत पुअर है, उनकी वितरण प्रणाली भी, उनकी बहुत सारी कमियां हैं, क्योंकि उनके पास वितरण प्रणाली ऐसी नहीं है। लेकिन वो कहीं ना कहीं छोटी छोटी सी मोमबत्तियां हैं जो जलनी शुरू हो गई है, तो उन मोमबत्तियों को अगर आप सिस्टम में ले आए, उनका एक ऐसा नेटवर्क बना ले कि एक मंच आप बना ले वैकल्पिक मीडिया का, तो मुझे लगता है कि वो एक रोशनी दे सकता है आपको। ये मेरी अपनी सोच है। ओके, तो एक बात और जो बहुत लोगों का मानना है कि भूमंडलीकरण का दौर स्वतः प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसके बगैर हम रह नहीं सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन आपके जो विचार हम सुनने का मौका मिला उससे लगा कि द्वितीय विश्व महायुद्ध के बाद एक
प्रक्रिया स्वतः नहीं बल्कि खास करके क्रिएट किया गया, क्रिएट किया कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के लोगों के द्वारा, और धीरे धीरे करके दुनिया में इसको फैलाया गया, फैलाया गया। तो पूरा अभियान है, पूरा अभियान एक देखिए वैसे कहा ना कि एक नव उपनिवेशवाद है, ये सैन्य जो है युद्ध के जरिए अब कब्जा करने की कोशिश नहीं है। पहले आप प्रत्यक्ष रूप से दूसरे देश पे आक्रमण करते थे और आप जाते थे और कब्जा कर लेते, तो आपका मुहिम साफ था। लेकिन ये जो है एक मीडिया के जरिए जो है आप ये जो युद्ध है वो संचार माध्यमों के जरिए लड़ा जा रहा है, कम्युनिकेशन कंपेन इंटीग्रेटेड जी संचार माध्यमों के जरिए युद्ध लड़ा जा रहा है, और जिसमें जो है हार जीत का निर्णय है वो स्वतः हो जाएगा, क्योंकि आप आर्थिक भागदौर आपके हाथ में आ गई तो जीत गए आप। अब इस पे एक और बात होती है, जैसे कहा जाता था ज्ञान या शिक्षा वो या सच्चाई वो जीतेगा, तो यहाँ एक तरफ तो भारत के पास टीचिंग है, ऋषि महर्षि या बड़े लोगों का जिन्होंने अनुभव किया अपने सामने रखा, दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी है। आज टेक्नोलॉजी जीतती हुई नजर आती है, टीचिंग रुकी हुई लगती है कि वहीं के वहीं है, उसको कोई लेने वाला नहीं है या उसके कारण। तो ये जो कंट्राडिक्शन नजर आ रहा है कि नहीं ज्ञान सर्वोपरि है, टेक्नोलॉजी जस्ट फॉर हेल्प, तो इस चीज को कैसे सामने लाया जाए? क्योंकि आमिर जी आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। देखिए बिल्कुल परिदृश्य बदल गया है। मैंने कहा ना कि एक हमारे यहाँ शिक्षण की एक पद्धति थी है ना, आप घर से सीखना शुरू कर देते थे, आप संस्कार माता पिता से लेते थे, माता पिता ही आपके बदले हुए, और आपके पास आप शिक्षण की प्रक्रिया आपकी केवल घर में ही नहीं चलती थी, हाट बाजार से भी आप सीखते थे, खेत खलियान से भी आप सीखते, वहां परिश्रम करना आप सीख रहे थे, खेत खलियान से सीख रहे थे, हाट बाजार से सीख रहे थे, और आप मीडिया से भी सीख रहे थे। लेकिन अब ये जो है शिक्षण जो है अब वो कोई लोक शिक्षण नहीं रहा हमारे यहाँ, अब तो शिक्षण जो है आपका मंडी हो चुका है, ज्ञान आपका मंडी में पहुंच गया। ज्ञान के लिए अब वो चीज नहीं रही कि आप आपके मॉडल हैं जो पहले के जो एक नायक जिनकी हम बात करते राष्ट्रनायक हैं वो उनसे आप सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब तो आप मीडिया से सीख रहे हैं, और जो आपके रोजमर्रा के जो आपके जीविकोपार्जन के लिए आप जाते हैं तो वो आप ज्ञान मंडी से लेते हैं। आप बड़े से बड़ा मोटा पैकेट लेकर के जाइए और आप डिग्री ले आते हैं, तो ज्ञान आपका मंडी में पहुंच गया है। तो अब वो लोक शिक्षण वाली पद्धति से या घरों के संस्कार से निकल करके नहीं आ रही, वो तो शिक्षण की पूरी पद्धति बदल चुकी है। और अब अगर आप देखें तो शिक्षा के नाम पे या शिक्षित करने के नाम पे जो शिक्षा का पहले ही होता था कि वो शिक्षा ऐसी थी कि जो आपके व्यक्तित्व को परिष्कृत करती थी, आपकी आत्मा को निखारती थी, आपके भीतर जीवन के मूलभूत सिद्धांत जो है वो बनाती थी, और आप उस सिद्धांतों के जरिए आगे बढ़ते थे। लेकिन अब वो सारे सिद्धांत, वो जीवन के सूत्र, सत्य का, प्रेम का, अहिंसा का, वो गांधीवाद, ये सब पीछे छूट रहा है। अब तो एक ही सूत्र है कि आपको मोटा पे पैकेज, कि आपको करोड़ों का पे पैकेज पाना है, कितने का, आप उसके पीछे भाग रहे हैं, और उसके लिए माँ बाप जो है मोटी रकम दे करके बच्चे के लिए ज्ञान जो है मंडी से खरीद करके ले आते हैं। तो पूरा शिक्षा का पूरा कह लीजिए कि बदल गया, पूरा परिदृश्य बदल रहा है। और टेक्नोलॉजी जाहिर है, जैसे आपने कहा कि टेक्नोलॉजी हावी हो गई है, संवेदनाओं के ऊपर जो है तकनीक ने आज एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से जोड़ने का काम संवेदना नहीं करती है, एक मनुष्य को जोड़ने का काम कौन करे, तकनीक आपको जोड़ रही है। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, परिवर्तन और परिवर्तन फास्ट होता जा रहा है। पहले तो फेस टू फेस लोग बात करते थे, तो फेसबुक के थ्रू बात, फास्ट ट्रैक पर हम आ गए हैं। मंडलीकरण का चरित्र तीव्र गामिता, तो ये बहुत कहा भी गया है इसमें कि बहुत तेज गति के साथ जो एक देश को दूसरे देश के करीब लाती है। तो टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी के जरिए हम करीब आ रहे हैं, लेकिन कितना हम अंदर से जुड़ रहे हैं ये देखना होगा। सोचेगा कौन? हम और आप ही सोचेंगे। आप देखिए कि ठीक है समय बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, लेकिन यहां मुझे एक बहुत अच्छी पंक्तियां याद आ रही, क्या हुआ दुनिया मरघट बनी, आदमियत की आखिरी आवाज अभी बाकी है, हो गई हैवानियत की इंतहा, आदमियत की अभी आगाज बाकी है। तो चीजें बदल रही हैं, भूमंडलीकरण की प्रक्रिया है, जीवन शैली बदल रही है, विश्व रुचियों का एक मॉडल तैयार करने की कोशिश हो रही है, लेकिन हमारे भीतर कहीं ना कहीं जो है हमारी, देखिए जो भारतीय संस्कृति उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, और इस भारतीय संस्कृति पर कब्जा करने की मुहिम इतनी आसान नहीं है। ये संस्कृति फिर
खड़ी होगी, कहा ना कि लोकल कल्चर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को बचाने का अभियान हमारे यहाँ से शुरू हो चुका है और वैकल्पिक मीडिया के जरिए यह अभियान निश्चित रूप से अपने नीचे आगे चलेगा और हम आशावान हमें रहना चाहिए। आशावान है और बदलाव शुरू भी हो चुका है। तो अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्राथमिकता के तौर पर या जो प्रायोरिटी होना चाहिए इन चीजों पर हम लोग को फर्स्ट प्रायोरिटी दे ताकि इस ये प्रक्रिया आगे बढ़े और जो पुरानी प्रक्रिया जो गलत प्रक्रिया है या जिसे हम लोग कर रहे हैं जो हम लोग चीजों को खत्म कर रहा है वो रुके और ये प्रक्रिया आगे बढ़े, उसमें क्या पहली प्राथमिकता होना चाहिए, पहली दूसरी तीसरी आपके अनुसार, ताकि मतलब मौलिकरण का जो अपोजिट जो शुरू करना है जो शुरू करना उसकी प्रक्रिया ये होनी चाहिए कि ये जो हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी और मैजिक बुलेट थ्योरी जो है इसके प्रति सचेत करना चाहिए, है ना। ठीक है कि मल्टी फ्लो थ्योरी भी है, तमाम तरह की थ्योरी है, तो मीडिया का जो असर है उसके असर को कम करने के लिए छोटे छोटे से मशाल आपको जलाने होंगे। कहने को आपको लग सकता है कि भाई ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ऐसा मुश्किल भी नहीं है क्योंकि बराबर हमारे यहाँ तमाम तरह के राष्ट्रीय संगोष्ठियों में तरह तरह के मंचों पर इस बात को लगातार हमारे चिंतक शिक्षक विचारक इस दबाव को महसूस कर रहे हैं, भूमंडीकरण का जो दबाव है और इसके जो परिणाम है, दुष्परिणाम है, उनकी तरफ लोगों की निगाह है और बराबर इसके विरोध की आवाजें भी आ रही हैं और इसके विरोध की जो आवाजें, इसकी टकराहट से कहीं ना कहीं इसके संतुलन के लिए भी जो एक जमीन हम तलाश रहे हैं, उस जमीन में जो है हम किस तरह से अपने स्थानीय संस्कृतियों को बढ़ाया जाए, बहुत सारे एनजीओ इस दिशा में काम कर रहे हैं, सरकार की कोशिशें हैं, अगर आप जाइए तमाम तरह के राज्य में जो है सांस्कृतिक केंद्र है, सरकार की तरफ से भी उनको मदद मिल रही है, एनजीओ है और बहुत सारे मंच हैं जिनकी तरफ से जो है इनको बढ़ाया जा रहा है। तो लोकल कल्चर तो इसको हम लोग ये मान लें कि भाव और भूमिका में अगर कंपैरिजन हम लोग करें तो पहले भाव होना चाहिए तब अपनी भूमिका प्रभावी होगी। तो भाव के स्तर पर हम लोग अभी भी उच्च हैं या उस करने के लिए लालायित हैं या करना चाहते हैं, लेकिन भूमिका में कमी है, उसके लिए हम लोग को आगे आना है। हाँ, भूमिका में निश्चित तौर पर कमी है और भूमिका में कमी का कारण भी है कि हम इतने प्रभावित हो चुके हैं और हमें मालूम ही नहीं चला कि कब हम उस कंज्यूमर कल्चर की गिरफ्त में चलते चले गए, यानी मॉल कल्चर इतना हावी हो गया है। अब आप देखिए कि आपका जो बच्चा है मॉल कल्चर में रचा बसा हुआ है, वो ब्रांड की बात करता है, हमें नहीं मालूम कि हमारे घरेलू उत्पाद क्या है, कैसे उन्होंने कब्जा कर लिया, जबकि आप ही के यहाँ का आलू और आप ही के यहाँ का चिप्स और उसको उत्कृष्ट पैकेजिंग में आप बना करके बेच देते हैं, पहले आप आते हैं कम कीमत पर और अधिक गुणवत्ता के साथ धीरे धीरे आप कीमत उसकी बढ़ाते चले जाते हैं, आपके मार्केट पर कब्जा होता चला जाता है। तो आप देखिए कि छोटे शहरों में अगर आप जाइए तो छोटे शहरों में आपको अभी भी लगता है कि वहां इतना प्रभाव नहीं है मॉल कल्चर का, और जाएगा वहां पर और जैसे जैसे प्रभाव होगा वैसे वैसे उस दबाव को अगर हम महसूस करेंगे तो उससे निकलने की हम कोशिश भी करेंगे। तो उस कोशिश का जो प्राथमिकता हम पूछ रहे थे, प्राथमिकता और शिक्षा पद्धति में खास करके क्या बदलाव होना चाहिए, शिक्षा पद्धति में बदलाव भी होना चाहिए कि अब आप देखिए कि तमाम तरह की कल हम इस पर चर्चा करेंगे आगे कभी कि महिलाओं से संदर्भित जितने मुद्दे हैं, अब किस तरह की घटनाएं घट रही है, इतनी भयावह घटनाएं होती, ठीक है लोग कहते हैं कि पहले भी ऐसा होता था लेकिन इतनी भयावह घटनाएं कहीं ना कहीं मीडिया का प्रभाव है इस पर, और वो जो घटनाएं घट रही हैं इस तरह की मीडिया का प्रभाव बराबर लोगों पर पड़ रहा है, तो उन सब से छुटकारा पाने के लिए या उस प्रभाव को हम खत्म करने कहीं ना कहीं हमें जो है परिवार के स्तर पर, यानी माँ जो है माँ बाप पहले उससे मुक्त हो, माँ बाप के ऊपर जो और आप उसको समझें मीडिया का जो प्रभाव पड़ रहा है उसको धीरे धीरे समझे, बच्चे को शिक्षित करें, जैसे होता था कि माँ जो है पहली जो है शिक्षिका होती है बच्चे की, और परिवार से उसको सुसंस्कृत करें और हमारी जो शिक्षा प्रणाली में नैतिक शिक्षा के जो है को बढ़ावा मिलना चाहिए, यानी वहीं पर प्राथमिक पाठशालाओं में प्राथमिक शिक्षा में ही बच्चे का जो कोर्स है सिलेबस जो है सिलेबस में चेंज होना चाहिए, सिलेबस में चेंज किए बिना हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसका टेकर भी तो होना चाहिए, टेकर्स में पेरेंट्स चाहते हैं कि इस तरह के
पढ़ाई बच्चों को दिया जाए, बच्चे उस तरह की बातें सुनने आजकल तो छोटे छोटे बच्चे नहीं नहीं ये सब नहीं सुनना चाहते। देखिए अमरीन जी, मैं यहाँ इस बात से थोड़ा सहमत नहीं हूँगी। बहुत सारे संस्थानों को मैं जानती हूँ जहाँ पर अंग्रेजी मीडियम है, लेकिन अंग्रेजी के साथ साथ वहाँ पर गायत्री मंत्र भी सिखाया जाता है और पूरा जो है देशभक्ति के गीत भी सिखाए जाते हैं, और बच्चे उतने ही जितना वो अंग्रेजी पढ़ने में रुचि लेते हैं उतना ही वो डिपेंड करता है कि आप धीरे धीरे कैसे उनकी रुचि को परिष्कृत करते हैं। तो आपको बिल्कुल प्रारंभ से उनकी रुचि को परिष्कृत करने की, यानी आपके पर एक मीडिया का दबाव है, उसी के पैरेलल आप ऐसा विकसित कीजिए कोई मॉडल जो बराबर अपने जो दायरा है भारतीय सोच का, जो दायरा संस्कृति का, उसके भीतर भी वो बच्चा रह सके। मित्रों, मीडिया निश्चित तौर पे सोशलाइजेशन का एक हिस्सा है, लेकिन सोशलाइजेशन का पूर्ण हिस्सा नहीं है, ये हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। पूर्ण हिस्सा हमारा संस्कृति, और जैसा कि डॉक्टर कुमार शर्मा बता रहे थे कि जो हमारे परंपरा है, विचार हैं, किस तरह से भारतीय परिवेश का होना चाहिए, उन बातों को शिक्षित बच्चों को शिक्षित करने की जरूरत है। और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में एक अलग स्वरूप देखने को मिलेगा। इस उम्मीद के साथ आज के व्याख्यान को विराम देते हैं। आप सबको धन्यवाद, और आपकी ओर से डॉक्टर कुमार शर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।